वेल माइडेड स्टूडेंट्स द कोर्स इज लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड वी आर स्टडिंग लेबर पॉलिसी ऑफ के पी के एंड द टॉपिक इज एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर पॉलिसी केपी के हेडिंग जो आपके सामने है वो है एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन एंड स्किल डेवेलपमेंट नेचुरली इट इज डिस्क इट इज बींग डिस्कस्ड अंडर द लेबर पॉलिसी के पी के माइडेड स्टूडेंट्स ये ऑब्जर्व किया जाता है और डाटा इस बात की निशानदेही करता है कि जो एवरी फोर्थ पाकिस्तानी जो है वो अब्रॉड में जो है वो के पी के से है के पी के की लेबर पॉलिसी में ये मैंशनड है कि जो अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड है ये बड़ी एक सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंस की बात है एंड इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ यूथ ऑफ के पी के एंड द पोटेंशियल वर्कर्स ऑफ द के पी के बहरहाल केपीके के की लेबर पॉलिसी इस जमन में कहती है कि ये वक्त की जरूरत है कि एक्सप्लोर की जाए ये अपॉर्चुनिटी और किस तरह एक्सप्लोर की जाए इन एन ऑर्गेनाइज एंड प्लैंड मैनर इस जिमन में लेबर पॉलिसी पाकिस्तान कुछ रेकमेंडेशन देती है आइए उनको डिस्कस करते हैं पहली रेकमेंडेशन ये है कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन होनी चाहिए थ्रू मार्किटेबल स्किल्स एंड एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सप्लोरिंग न्यू रीजनस ऑफ लेबर एक्सपोर्ट दूसरी जो रेकमेंडेशन है वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन एंड जॉब प्लेसमेंट होनी चाहिए उसकी फैसिलिटीज क्रिएट करनी चाहिए स्किल्स ग्रेजुएट्स जो हैं उनको प्रमोट करना चाहिए स्पेशल इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और इस जमन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्रिएट करनी चाहिए इसके अलावा लेबर पॉलिसी पाकिस्तान लेबर पॉलिसी केपीके के ये कहती है कि कोऑर्डिनेट इस जिमन में करना चाहिए विद नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन एंड द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन फॉर फैसिलिटेशन ओरिएंटेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल जॉब इन द इंटरनेशनल मार्केट इसके अलावा लेबर पॉलिसी यह भी कहती है कि वुमेन रिलेटेड जो स्किल्स हैं विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट वुमेन एंट्री इनटू लेबर मार्केट एंड आंट्राप्रन्योरशिप जो है उस पर भी फोकस करना चाहिए और जिमन में भी पॉलिसीज बनानी चाहिए लेबर पॉलिसी केपी के इस जिमन में ये रिकमेंड करती है कि जो फॉस्टर किया जाना चाहिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को ताकि मोबलाइज हो सके रिसोर्सेज और कंपेरेटिव एडवांटेज ऑफ ईच अदर फॉर मेकिंग द सिस्टम इफेक्टिव जो है इसका रिजल्ट होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स जो तरीकाकार है केपीके की लेबर पॉलिसी जिस पे फोकस कर रही है वो ये कर रही है कि इस जिमन में सोशल कैपिटल को इन्हांस करने के लिए लोगों को ट्रेन करने के लिए ताकि वो बाहर के ममालिक में अच्छी जॉब्स ले सकें यहाँ पर इंडिजनस ग्रोथ होनी चाहिए स्किल की और प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के तहत जो लोग हैं जो पोटेंशियल वर्कर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो जॉब मार्केट्स में सूट कर सकें और प्रॉपर जॉब्स हासिल कर सकें इस जमन में जो फोकस किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें इनरोलमेंट की जाए और इस जमन में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें लोगों को एडमिशन्स दिए जाएं और वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाएं इस जमन में लेबर पॉलिसी केपीके के ये भी कहती है कि एक इंटीग्रेटेड वेल कोऑर्डिनेटेड और एक कॉम्प्रिहेंसिव लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन एनालिसिस सिस्टम जो है उसको डेवलप करना चाहिए जिसके ऑब्जेक्टिव ये हों कि एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग हो वोकेशनल गाइडेंस हो रजिस्ट्रेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड हो नोटिफिकेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयर्स बोथ इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर हो और जनरेट की जानी चाहिए डिटेल्ड एंड डिसटेड लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन जिसमें ये कैपेसिटी हो कि बिल्ट किया जा सके एनालिसिस और प्रिपेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड डिसिमिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स लेबर पॉलिसी केपी के का एक बड़ा ग्लेयरिंग फैक्ट ये है और ये यह है लेबर पॉलिसी केपी के में के द प्रिंटरशिप ऑर्डिनेंस नाइनटीन सिक्सटी टू प्रोवाइड फॉर प्रोमोटिंग डेवलपिंग एंड रेगुलेटिंग सिस्टमेटिक प्रिंटरशिप प्रोग्राम्स इन द इंडस्ट्रीज एंड फॉर सिक्योरिंग सर्टन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ स्किल्स एंड प्रमोट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्किल्ड लेबर फोर्स ये मैंशनड है लेबर पॉलिसी के पी के में कि जो अपरिंटरशिप ऑर्डिनेंस नाइनटीन सिक्सटी टू है उसका परपज प्रोमोटिंग डिवेलपिंग एंड रेगुलेटिंग सिस्टमैटिक अप्रिंटरशिप प्रोग्राम इन द इंडस्ट्रीज है जिससे जो अनएम्प्लॉयड लेबर है अनस्किल्ड लेबर है वो नेचुरली स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट हो जाएगी होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच इन